इज़राइल और हमास में जारी युद्ध का आज 16वां दिन हो चला है। 15 दिन के बाद हमास ने पहली बार घुटने टेक दिए हैं और अमेरिका के दो बंधकों को रिहा कर दिया है। अब इन सबके बीच में सवाल ये है कि बाकी के करीब 200 बंधकों का आखिर क्या होगा। सवाल ये भी है कि हमास के इस सरेंडर के बाद क्या इज़राइल ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इंतजार करेगा। और आखिरी सवाल ये कि अमेरिका अब आगे क्या करने वाला है। ये सारे सवालों का जवाब जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया डरी हुई है कि इज़राइल और हमास का युद्ध विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है। अलग अलग मुल्कों से कोशिशें की जा रही हैं कि युद्ध को यहीं पर रोक दिया जाए और गाजा में हमास के कब्जे से बंधकों को छोड़ा कर लाया जाए। और इस रास्ते में उम्मीद की एक किरण सामने आई है। अमेरिका की कोशिशों से और कतर की मध्यस्थता से हमास ने थोड़ी नरमी दिखाई है। गाजा की जंग में हमास का सरेंडर। अमेरिका के दो बंधकों को छोड़ा। क्या पीछे हट जाएगा इज़राइल? गाजा में हमास के ठिकानों पर इज़राइल के हमले बंद नहीं हुए हैं, लेकिन युद्ध के मैदान से एक सुखद तस्वीर सामने आई है। उम्मीद की एक किरण नजर आई है। तमाम कोशिशों के साथ युद्ध पर विराम लगाने की संभावनाओं को थोड़ा बल मिला है। हमास ने अमेरिका के दो बंधकों को रिहा किया। मां बेटी जुडिथ और नटली वाउनन को छोड़ा। कतर के साथ हुए समझौते के बाद हमास ने छोड़ा। जुडिथ और नटली वाअनन अमेरिका के शिकागो के रहने वाली हैं। हमास ने रेड क्रॉस को सौंपा। रेड क्रॉस ने इजरायली सेना को सौंपा। जुडिथ और नटली वाअनन तेल अवीव के रास्ते अमेरिका जाएंगी। राष्ट्रपति जो बाइडन ने फोन पर की जुडिथ और नटली से बात। जुडिथ और नटली वाअनन के रिहा होने के खबर ने इज़राइल के साथ ही अमेरिका के लिए वो रास्ता खोला है जिसके इंतजार में वो 15 दिनों से थे। लेकिन हमास की ओर से बार बार धमकियां आ रही थी कि अगर गाजा पर हमले होते रहे तो बंधकों को मारना शुरू कर देंगे। और इसी हमास ने जिस तरह की हैवानियत 7 अक्टूबर को इसराइल पर धावा बोलने के बाद दिखाई थी, उसके बाद हमास के आतंकियों को आईसिस के शैतानों से भी बदतर बताया जाने लगा था। और इस वजह से भी दुनिया के तमाम मुल्कों को डर सता रहा है कि हमास उनके नागरिकों के साथ क्या करेगा जो उनके कब्जे में है। हालांकि जुडिथ और नटली वाअनन की रिहाई से एक रास्ता खुला है। Tonight I'm going to sleep good. I spoke with my daughter earlier today. She sounds very good. She looks very good. She was very happy and she's waiting to come home. Her mother has a little scratch on her hand. But she told me it's nothing. She's okay. हमास ने दो बंधकों को रिहा किया है तो उम्मीद बढ़ी है। और जब इस बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उनसे बात की है। और साथ में ये भी सवाल किया गया कि क्या वो सभी बंधकों को बाहर निकालने तक इसराइल से जमीनी हमला रोकने के लिए कहेंगे, तो बाइडन ने इस सवाल के जवाब में हाँ कहा। Invasion, so you can get hold of the hostages now.
बाइडेन के इस बयान से कयास अब ये लगाया जाने लगा है कि इजराइल अब जमीनी ऑपरेशन को कुछ समय के लिए टाल सकता है ताकि हमास के साथ बातचीत करके दबाव बनाकर बाकी बंधकों को उनके कब्जे से बाहर निकाला जा सके। बाइडेन के इस बयान से कयास लगाया जाने लगा कि इजराइल अब जमीनी ऑपरेशन को कुछ समय के लिए टाल देगा ताकि हमास के साथ बातचीत करके दबाव बनाकर बाकी बंधकों को उनके कब्जे से बाहर निकाला जा सके। लेकिन समाचार एजेंसी रॉयटर के मुताबिक कुछ ही देर में व्हाइट हाउस ने सफाई जारी की और कह दिया कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ठीक से सवाल नहीं सुन सके और हाँ में जवाब दे दिया था। राष्ट्रपति बहुत दूर थे, उन्होंने पूरा सवाल नहीं सुना। लगा कि सवाल किया गया है कि क्या आप और भी बंधकों की रिहाई को देखते हैं, वो और किसी पर जवाब नहीं दे रहे थे। व्हाइट हाउस के इस बयान से साफ हो गया है कि इजराइल के मिलिट्री ऑपरेशन पर अमेरिका को एतराज नहीं है और इजराइल भी ग्राउंड ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। And they really do have the obligation to defend themselves against it, to do whatever they can to try to make sure that this doesn't happen again. But we've been very clear as well that the way Israel does this matters, and in particular, it's important that operations be conducted in accordance with international law, humanitarian law, the law of war, as applicable, and that everything be done to minimize the loss of civilian life. हमास के पास अभी भी कई देशों के करीब 200 बंधक हैं और बंधक बनाने और युद्ध शुरू होने के 15 दिन बाद किसी तरह से कतर की मध्यस्थता से हमास ने दो बंधकों को छोड़ा है, वो भी इस शर्त पर कि मिस्र की सीमा पर खड़े राहत और बचाव कार्य के ट्रकों को गाजा में दाखिल होने दिया जाए। लेकिन इसराइल ने साफ कर दिया है कि बंधकों की रिहाई से उसके ऑपरेशन में कोई बदलाव नहीं आया है और एक बार फिर नेतन्याहू ने दोहराया है कि हमास के खात्मे के साथ ही उनका यह मिशन समाप्त होगा।